हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। लेक्चरर्स एंड लेक्चरर्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत सक्सेस चाहिए जो विचारक हैं मैक्स वेबर। ये मैक्स वेबर जर्मन का है और इन्होंने नौकरशाही के संबंध में कुछ उल्लेख किया है। हालांकि उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत और सत्ता के प्रकारों का भी उल्लेख किया है, लेकिन अब ये थोड़ा सा नौकरशाही के संबंध में, वैसे ये लेसन हमारे लिए व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि व्यापार के लिए, तो व्यवहार के नौकरशाही के संबंध में कुछ ऐसे विचार है कि नौकरशाही क्या है। नौकरशाही को हम नौकरशाही कर्मचारी तंत्र सेवक तंत्र अधिकारी तंत्र तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही के संबंध में अपना जिक्र किया है। अंग्रेजी में नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। यह ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो से बना है, जिसका मतलब होता है मेज प्रशासन। अर्थात मेज पर बैठ कर के जो शासन करने वाले लोगों को हम नौकर या नौकरशाही कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो से बना है और ब्यूरो का अर्थ होता है मेज या प्रशासन या डस। इस प्रकार से नौकरशाही के अनेक नाम भी है, जैसे कर्मचारी तंत्र, अर्थात कार्य करने वाले कर्मचारियों का एक जाल तंत्र, सब मिलकर के जब कोई भी संस्था करते हैं संपूर्ण व्यक्ति अपने कार्य का नेटवर्क निपटारा करते हैं तो नौकरशाही। सेवक तंत्र, अर्थात सेवक देने वाले व्यक्तियों के एक जाल, एक समूह जो नियम से कार्य करते हैं। अधिकारी तंत्र, अधिकारियों का एक तंत्र, एक जाल जो समस्त मिलकर अपने कार्य का निपटारा करते हैं वो है। तो यहाँ पर नौकरशाही एक व्यवस्था है, नियम और कानून का एक रूप है जिसमें समस्त व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करते हैं। नौकरशाही के अंतर्गत वेबर ने, अर्थात व्यक्तियों के एक ऐसा समूह जो किसी संगठन के रूप में कार्य का निपटारा करते हैं, वो हमारे लिए नौकरशाही है। नौकरशाही की कुछ विशेषताएं बतलाई हैं, जैसे लिखित नियम होते हैं नौकरशाही के अंतर्गत। लिखित नियम, नौकरशाही के नियम लिखित होते हैं। लिखित नियम होते हैं, बगैर लिखित नियम को कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता। आदमी के अंदर प्रत्येक संस्था के अंतर्गत प्रत्येक काम को लिखित रूप में। वेतन व्यवस्था, नौकरशाही के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों को प्रति माह वेतन भी दिया जाता है। भर्ती प्रक्रिया, अर्थात नौकरशाही के अंतर्गत एक भर्ती नियमों के अनुसार संपन्न की जाती है, जो इसमें कार्य पर चयन किया जाता है। पेंशन की व्यवस्था, अर्थात कार्यकाल के अंतर्गत कार्यकाल समाप्त होने के बाद सेवा के अंतर्गत या बाद में भी व्यक्तियों को पेंशन की व्यवस्था की जाती है, ताकि उनका जीवन यापन वृद्धावस्था में भी अच्छी तरह से हो सके। और पदोन्नति,
अर्थात पदोन्नति की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से ये हमारे ड्राइवर ने नौकरशाही के संबंध में अपने विचार दिए थे। बात करते हैं ड्राइवर ने अपने कुछ धर्म का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप का सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और साथ में सत्ता सत्ता के प्रकार के सिद्धांत। वेबर की जो तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें द थ्योरी ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सामाजिक क्रिया को लेकर किया है, एक है द सिटी और तीसरी जो महत्वपूर्ण द प्रोटोटाइप एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये तीन महत्वपूर्ण पुस्तक है। पहली पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी पुस्तक है प्रोटोटाइप एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और तीसरी पुस्तक है द सिटी। और बाद में आदर्श प्रारूप का भी उल्लेख किया है। आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप, किसी भी कार्य करने का पूर्व विचार एक आदर्श प्रारूप है जिसके आधार पर उस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक रहा वेबर, और वेबर जर्मन का है। बाकी नेक्स्ट